नागपुर टेस्ट पारी और 229 रन जीती टीम इंडिया। 3 टेस्ट मैचों के सीरीज में भारत को 1-0 से बढ़त। पीएम के खिलाफ विवादित बयान को लेकर तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सांसद प्रवेश वर्मा ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज से साधा कांग्रेस के वंशवाद पर निशाना। कहा एक तरफ वंशवाद और दूसरी ओर विकास की राजनीति। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 6वीं सूची में 34 उम्मीदवारों को टिकट। 13 पाटीदार उम्मीदवार शामिल। गुजरात में कांग्रेस की तीसरी सूची पर बवाल। पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा तोड़। राहुल गांधी पर वित्त मंत्री जेटली का पलटवार। कहा बोफोर्स जैसी नहीं राफेल डील। राफेल डील पर केंद्र लगातार घेर रहे हैं राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस। 13 करोड़ की आय का ब्यौरा आपने नहीं दिया। रियान स्कूल के प्रबंधकों को अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए प्रद्युमन के पिता। मर्डर केस में आरोपी अशोक को पहले ही जमानत मिल चुकी है। महाराष्ट्र के लातूर में स्कूल की करतूत। कथित बलात्कार पीड़िता का स्कूल ने रद्द किया एडमिशन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने 10 दिन के कनाडा दौरे से भारत लौटने के बाद कहा कनाडा के प्रवासी भारतीयों के मन में भारतीय संस्कृति पूरी तरह से बसी हुई। रविवार को प्रदेश में एक ही दिन 3-3 रैलियों पर बोलते उन्होंने कहा कि हरियाणा रैलियों का प्रदेश रहा है। यहां कोई न कोई नेता या पार्टी रैली करती रहती है। सुभाष बराला ने जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज ये पार्टी दलित रैली कर दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है। जींद में हुई राजकुमार सैनी की समानता रैली में सरकार पर सैनी द्वारा की गई बयानबाजी पर बोलते हुए अनिल विज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राजकुमार सैनी की हर गतिविधि पर सरकार की नजर है। विज ने कहा कि सरकार विकास के बहुत काम कर रही है जितना पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। पृथला विधानसभा के गांव गढ़खेड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी ने अपने एक बेजुबान जानवर की बलि चढ़ा दी अपनी पार्टी मनाने की। की जानकारी गांव के युवक ने गांव में बन रही सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह भाटी को दी। गोहाना की नई अनाज मंडी में इन दिनों धान की फसल का सीजन जोरों पर है। धान लेकर आ रहे किसानों को पिछली बार की तुलना में अब की बार धान का दुगना दाम मिल रहा है। किसान अब की बार अपनी फसलों का अच्छा भाव मिलने से काफी खुश हैं। मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों का कहना है कि अगर हर साल किसानों को उनकी फसल के भाव इस तरह मिलते रहे तो किसानों को और भी मेहनत करने का लाभ मिलेगा। वहीं अब की बार मंडी में धान की बंपर आवक आने से मंडी में काम करने वाले दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या की है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुभी बताया जा रहा है मृतका का नाम जो कि नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। कासना कोतवाली एरिया के एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका घरेलू सहायिका का काम करती थी। परिजनों का कहना है कि फ्लैट के ही जो मालिक मालकिन है उन्होंने हत्या की। मृतका के परिजनों ने शिवानी की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों और घरेलू सहायकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। शव मिलने से इलाके में सनसनी। मसूरी थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस को कागजात मिले हैं। मृतक की लखनऊ के राजकुमार राघव के रूप में पहचान हुई है। माना जा रहा है कि यह लाश 2 या 3 दिनों से पेड़ पर लटकी हुई थी। पाकिस्तान में ईश निंदा के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज। कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया।